हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2017 का इंग्लिश सेक्शन पार्ट 21 लेके आया हूं। और आज की सुपर 35 सीरीज़ में हम 12 मार्च 2018 का शिफ्ट 2 का 10+2 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन सारे शॉर्ट क्वेश्चन विथ क्लोज टेस्ट एंड BQRS सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कशन के लिए जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, स्पॉटिंग एरर से है, तो पढ़ते हैं। शी चोज टू स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। फॉर अ व्हाइल एक फ्रेज आप कह सकते हो, और फॉर अ व्हाइल का मतलब होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। ठीक है, शी चोज, चोज को आप जानिए कौन सी वर्ब है। ठीक है, ये चूज CHOOSE चूज का सेकेंड फॉर्म होता है, चूज चोज चूजन। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म है ये, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट के मतलब कहने का पास्ट इंडेफिनिट में तो कोई मतलब ही नहीं होता कि सिंगुलर है या प्लूरल हो सब्जेक्ट आपका, है ना। आपने चोज लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है शी चोज, उसने चुनाव किया टू स्टेड देयर, स्टे वहाँ पर रुकने का, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आपको उन वहाँ पर रुकने का चुनाव किया तो इन्फिनिटिव फॉलो होगा, चूज टू डू समथिंग होता है ना, ना कि चूज टू डू मतलब डन समथिंग। तो यहाँ पर क्या इन्होंने थर्ड फॉर्म यूज़ किया जो कि गलत है। यहाँ पर आपको क्या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना था इन्फिनिटिव के लिए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ईडी को हटाना था यहाँ पर। ठीक है ना, शी चोज टू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, उसने वहाँ कुछ समय तक रुकने का क्या चुनाव किया, या मतलब कहने का ऑप्शन चुना, ये कह सकते हो आप। तो कहाँ यहाँ पे कौन सी पार्ट में एरर होगी, सेकंड पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन टू जो होगा ये करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्पॉटिंग एरर का, अलॉन्ग विथ प्लेटो, प्लेटो के साथ अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड, अरिस्टोटल को माना जाता है, कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब कहने का पश्चिमी फिलॉसफी का जनक समझा जाता है अरिस्टोटल को। विच, अब विच किसके लिए आया है, इसके जस्ट पहले कौन, वेस्टर्न फिलॉसफी, जिस वेस्टर्न फिलॉसफी में, कौन सी वेस्टर्न फिलॉसफी, विच, जिसने फ्रॉम हिज टीचिंग्स, हिज किसके लिए आया, हिज आया अरिस्टोटल के लिए, जिसने अरिस्टोटल की टीचिंग्स होता है शिक्षाएं, अरिस्टोटल की शिक्षाओं से इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब कहने का क्या, रिसीव करना, उत्तराधिकार में प्राप्त करना, तो विच इनहेरिटेड कहाँ से, फ्रॉम टीचिंग, फ्रॉम हिज टीचिंग्स, तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब हो गया, फ्रॉम हिज टीचिंग्स मतलब एडवर्बियल फ्रेज हो गया ये आपका, तो उसकी शिक्षाओं से, अरिस्टोटल की शिक्षाओं से जिसने इनहेरिटेड प्राप्त की है ऑलमोस्ट इट्स इंटायर लेक्सिकॉन, ऑलमोस्ट माने लगभग लगभग, इट्स इंटायर अपना पूरा, लेक्सिकॉन का मतलब क्या हो गया, लेक्सिकॉन का मतलब होता है शब्द संग्रह, शब्द या फ्रेज वगैरह। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं प्रॉब्लम्स समस्याएं एंड मैथड्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब कहने का जाँच पड़ताल के मैथड्स और तरीके। तो प्लेटो के साथ अरिस्टोटल को भी वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक माना जाता है, कौन सी वेस्टर्न फिलॉसफी, वो वेस्टर्न फिलॉसफी जिसने कि अरिस्टोटल की शिक्षाओं से मतलब कहने का सारे के सारे शब्द संग्रह मतलब प्राप्त किए हैं, इनहेरिट किए हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं, जिसमें शामिल हैं प्रॉब्लम्स मैथड्स और इंक्वायरी। तो ये नो एरर सेंटेंस है, पूरा का पूरा करेक्ट है, मतलब ऑप्शन फोर आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री पर बढ़ेंगे, व्हाट इज इट, ये क्या है, इट वेट, क्या इंतजार कर सकता है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब बननी है, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, तो अब आपको अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब बननी है। तो हेल्पिंग वर्ब बनने का देखिए, वुड जो है ये तो पास्ट के इंडिकेशन में आता है और लाइकिंग के सेंस में भी आता है, अगर जैसे आपको किस चीज़ की डिज़ायर है तो डिज़ायर के सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ डिज़ायर का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो जैसे आई वुड लाइक टू डू दैट, तो मैं ये काम पसंद करूँगा करना, है ना, तो वहाँ पर फिर क्या है, वुड डिज़ायर के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ डिज़ायर का तो मतलब नहीं है। ठीक है, इज़ इट वेट, तो अब यहाँ पर इज़ अगर कर रहा है तो फिर सीधी सी बात है आगे वेटिंग होना चाहिए, है ना, तो वेटिंग होता तो समझ में आता, तो इज़ भी आपका कट गया, लिंकिंग वर्ब है नहीं क्योंकि आगे वर्ब बैठी है, लिंकिंग वर्ब अगर ये होता तो फिर आगे कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, आगे वेट वर्ब बैठी हुई है, तो लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। बचे मे और कांट, अब मे अगर आप भरते हो, मे इट वेट, तो मे इट वेट का मतलब होता है क्या उस वो इंतजार कर सकती है, तो अब ये बताइए इट आया है तो किसी निर्जीव के लिए आया होगा, है ना, तो निर्जीव के लिए जब इट आ रहा है आपका, तो मे इट वेट क्या वो इंतजार कर सकते, मतलब कहने का कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो किसी निर्जीव के इंतजार करने का सेंस देना है, या फिर कांट इट वेट, अगर आप कांट इट वेट करते हो तो कांट वेट का मतलब होता है अर्जेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, कांट वेट का मतलब होता है अर्जेंट, जैसे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, इट कांट वेट,
दिस फाइल कांट वेट, मतलब कहने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल है और ये क्या, दिस कांट वेट, ये फाइल इंतजार नहीं कर सकती, इन द सेंस का इसका मतलब क्या होगा कि ये फाइल बहुत ही अर्जेंट है, ठीक है। तो कांट वेट का मतलब जब निर्जीव के लिए या उस तरह यूज़ होता है, कांट वेट दोनों एक साथ, तो इसका मतलब होता है अर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप में भरते हो तो आपका उतना अच्छा सेंटेंस नहीं होगा और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर किसकी बात बता, ये परमिशन की भी बात बताता है ज़्यादातर, है ना। तो परमिशन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए, लेकिन कांट इट वेट का मतलब ये हो जाएगा कि ये अर्जेंट है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, कांट इट वेट, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कहने का इस सेंस में देगा। तो आपका जो कांट वेट है इसलिए अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा, और नॉन लिविंग के लिए परमिशन वगैरह का कोई सेंस नहीं होता, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ऑप्शन इसलिए आपका ये बनेगा, केवल यही ग्राउंड है इसका कि कांट वेट का जो मतलब होता है अर्जेंट होता है, मतलब कहने का वेट नहीं कर सकता, मतलब अर्जेंट। तो कांट इट वेट मतलब इज इट अर्जेंट, क्या ये ज़रूरी है, इसका मतलब ये होगा, कांट इट वेट का मतलब क्या ये ज़रूरी है, ये मतलब होगा, ठीक है ना। तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था यदि आपने पहले नहीं किया तो, है ना, क्योंकि अगर आपको मे और कांट में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो फिर निश्चित रूप से ये गलत हो सकता था। तो ये आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि नॉन लिविंग है तो इस सेंस में कांट वेट तो आपका अर्जेंट का सेंस दे रहा है, बट मे इट वेट का कोई विशेष मतलब नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि परमिशन की बात यहाँ इट के लिए उचित नहीं है, कोई लिविंग बींग होता तो एक बार समझ में आता, ठीक है। तो इस ग्राउंड पर आप थर्ड का सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। फोर्थ नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। डैश सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट नो अबाउट आवर कंट्रीज हिस्ट्री, मतलब भारत के नागरिकों को जानना चाहिए अबाउट आवर कंट्रीज हिस्ट्री, हमारे देश के क्या इतिहास के बारे में, स्ट्रगल संघर्ष के बारे में, कल्चर संस्कृति के बारे में, एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो कैसे भारत के नागरिकों को, ईच, हर भारत के नागरिक को, एनी, कोई भी भारत के नागरिक को, एवरी, प्रत्येक, या फिर नो, कोई भी नहीं, है ना, नॉट ही सिटीजन। तो आप ये बताइए कि हिस्ट्री या स्ट्रगल के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ये तो आपको ही पता है। एनी जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में माना जाता है, अप्रोप्रिएट माना जाता है चूज़ करना, तो ये तो कट ही गया, नो का कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा सेंटेंस, है ना, कोई मतलब नहीं होगा, ये फालतू की बात होगी। अब प्रॉब्लम आती है कि ईच और एवरी में से कौन सा लें, ये दोनों ही प्रत्येक का भाव देते हैं, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होता है जो कि आपको इस करेक्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जब दो की या दो से अधिक की बात होती है, दो की या दो से अधिक की, तो आप ईच चूज करते हो, ठीक है, और जब 100% दो से अधिक की बात होती है तो एवरी होता है। तो अब इन दोनों में क्या है कि ईच की बात कब होगी, जब दो या दो से अधिक हो, दो भी हो तब भी ईच, और दो से अधिक हो तब भी ईच, लेकिन एवरी क्या होता है, ये दो के लिए कभी नहीं आता, ये सिर्फ दो से अधिक के लिए आता है, मोर देन टू होना चाहिए तब एवरी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि आप ईच लो या फिर एवरी लो, तो जब आपको 100% श्योर हो कि दो से अधिक हैं तो आप एवरी लेते हो, क्योंकि वहाँ पर एवरी ही अच्छा माना जाता है, और जब आपको संभावना बने कि यार दो भी हो सकता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो जब दोनों पॉसिबिलिटी हो तो ईच होता है। अब आप बताइए कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, क्या वो दो हो सकते हैं, अगर दो बताएं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही दो हो गए, ये भी तो सिटीजन होते हैं, है ना, तो क्या हो गया फिर, मतलब कहने का तो सीधी सी बात है कि ईच आपका अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मोर देन टू तो 100% है, है ना। तो जब मोर देन टू हो जाएंगे किसी कंट्री में, तो सीधी सी बात हो गई कि एवरी आपका वहां पर ज्यादा सुटेबल होगा ईच से। तो इस ग्राउंड पर आपको ऑप्शन थ्री चूज करना है, क्योंकि मोर देन टू, ये तो बात पक्की है कि किसी भी देश में, या यहां पर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जैसे देश में दो से लोग ज्यादा लोग हैं, तो आपको एवरी जो होगा ये ज्यादा अच्छा होगा ईच की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इसमें फोर्थ में आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है। आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर। फाइव नंबर में आपको वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस आपको चूज करना है यहां पर। विनसम होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, या फिर कह सकते हो प्लीजेंट, जो कि बहुत मनोहर लगे, ठीक है, बहुत ही आरामदायक या फिर आनंददायी हो, प्लीजेंट या अट्रैक्टिव विनसम कहते हैं, ठीक है। चार्मिंग का मतलब भी होता है अट्रैक्टिव या प्लीजेंट, बहुत ही देखने में सुनहरा लगे और प्लीज बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, उसे चार्मिंग कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, विनसम का साइनोनिम होगा, ठीक है। रिपल्सिव होता है अनप्लीजेंट, रिपल्सिव प्रतिकर्षित करने वाला, या फिर भद्दा, जो अच्छा ना लगे, अगली माने भी भद्दा होता है, बदसूरत, और रिपेलेंट माने भी अनप्लीजेंट होता है। तो रिपल्सिव और रिपेलेंट दोनों अनप्लीजेंट होते हैं, चार्मिंग अट्रैक्टिव या फिर प्लीजेंट होता है, विनसम माने भी प्लीजेंट या अट्रैक्टिव होता है। तो ये दोनों साइनोनिम होगा, ये दोनों अपने में साइनोनिम होगा, लेकिन इसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों की मीनिंग आपको पता लगे, बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एमोरस, एमोरस होता है शोइंग सेक्सुअल डिजायर और लव फॉर समबडी, किसी के लिए प्रेम या फिर कोई आप सेक्सुअल डिजायर शो करते हो तो वो होता है एमोरस, और यही मीनिंग होता है इरोटिक का भी, है ना। तो दोनों का ही टू एक्सप्रेस लव, या कह सकते हो शोइंग लविंग डिजायर, तो ऐसा जो
होता है वो इरोटिक कहलाता है, और डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना, हेट करना, घृणा करना, ये डिटेस्ट होता है, ठीक है। डिटेस्ट समबड़ी मतलब हेट समबड़ी, ठीक है, करेक्ट होता है, सही। तो ये एमोरस जो है शोइंग सेक्सुअल डिजायर, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसका बेस्ट एक्सप्रेस होगा, ठीक है। एप्रिसिएट माने मूल्यांकन करना भी होता है, एप्रिसिएट माने होता है आपका प्रशंसा करना भी, ठीक है। तो मीनिंग सबके आपको पता लग गए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है और ये जो है गलत होगा, ठीक है ना। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है, तो अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले से पता हो, पहले से पूर्व प्रत्याशित, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो जाएगा अपूर्व प्रत्याशित, जिसके बारे में पहले से अनुमान ना लगाया जा सके। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जिसके बारे में कुछ पता हो पहले से, तो नोन, ठीक है। ये होता है अनप्रेसिडेंटेड अपूर्व प्रत्याशित, जिसका मतलब कि जिसके बारे में पहले से पता ना हो, और नॉन मतलब पता हो, तो ये इसका अपोजिट बनेगा, बेस्ट अपोजिट। बिजारे ये पहले आ चुका है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, वियर्ड लुकिंग, है ना, वियर्ड लुकिंग, या फिर कह सकते हो आप स्ट्रेंज, ठीक है, इसका स्ट्रेंज ऑप्शन भी बना था पहले। एक्सेप्शनल होता है अपवादिक, जिसकी उम्मीद ही ना हो, है ना, और जिसका कोई चांस ही ना हो, तो काफ़ी हद तक साइनोनिम मिलता है। फैंटास्टिक माने भी काल्पनिक होता है, जो इमेजिनरी हो, रियल ना लगे, ले तो वही अनप्रेसिडेंटेड के ही डायरेक्शन के वर्ड हैं। एंटीथेसिस होता है अपोजिट, है ना, तो अपोजिट, तो ये तो अपोजिट मिल गया, लेकिन ये तो साइनोनिम है, हमें क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए इसका साइनोनिम, मतलब कहने का अब ये अपोजिट वर्ड चाहिए, तो अपोजिट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मतलब ये होता है एंटीथेसिस, मतलब अपोजिट जो किसी चीज़ के विरोध में हो, है ना, तो विरोध में, अब ये क्या है, रिवर्स माने भी उल्टा होने वाला, कन्फ्लिक्ट माने भी लड़ाई में होना, अपोजिट माने भी उल्टा, सभी एक डायरेक्शनल वर्ड है। हारमोनी होता है एक जैसा होना, सामंजस्य में होने वाला, तो एंटीथेसिस अपोजिट मीनिंग वाला, या फिर कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन वाला, और ये क्या होता है हारमोनी, मतलब तालमेल बैठाने वाला, सामंजस्य में होने वाला, इसलिए ऑप्शन थ्री जो होगा यहाँ पर करेक्ट अपोजिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे आपको पी क्यू आर को करेक्टली अरेंज करना है, तो जो मेरा तरीका है आप वही यहाँ पर आप फिर से अपना सकते हैं। द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप, पहला और निर्णायक कदम, ये शायद कर भी चुके हैं हम पी क्यू आर, लेकिन पहले किया है किसी पेपर में, ठीक है। द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप, अब उसके बाद आपको भरना है, आप देखिए लास्ट में ऑफ है, लास्ट में आर्टिकल था है, क्या ये लास्ट में कभी आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते, पी और आर लास्ट में कभी नहीं आ सकते। आर मिल रहा है, पी तो वैसे ही नहीं उन्होंने डाला है, लेकिन आर को लास्ट में डाला है, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए आपके, आप अब 50% पे खड़े हैं, ठीक है, 50% तो आपने सॉल्व कर ही लिया। अब आपको लास्ट में क्यों लेना है, पहले आर लेंगे कि पी लेंगे, आप देखिए द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप, और अगर आप आर लेते हो यूरोप ओवरसीज, यूरोप माने होता है यूरोप, वही मतलब कहने का आपका ये महाद्वीप हो गया, और ओवरसीज होता है ये आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है विदेश में, अब्रॉड या ओवरसीज, है ना। तो पहला और निर्णायक कदम, और यहाँ पर भी नाउन है और फिर आगे नाउन आ रहा है, तो क्या ये सही होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप, यूरोप ओवरसीज, ये उतना उचित नहीं है। इसके अलावा पी भर सकते हो, पी जरा आप देख पढ़िए, पहला और निर्णायक कदम इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप, पी के बाद अगर आप आर लेते हो, इसमें पी के बाद आर है, द पहला और निर्णायक कदम कहाँ पे, इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप, यूरोप के विस्तार में पहला और निर्णायक कदम, कहाँ पे विस्तार, ओवरसीज, समुद्र के बाहर, समुद्र के पार, यानी विदेश में, मतलब यूरोप के बाहर, यूरोप के मतलब ये एक्सपेंशन में, विस्तार में पहला और निर्णायक कदम वाज था, क्या था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, द कॉन्क्वेस्ट माने होता है विजय, ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर पर विजय, मतलब पहल यूरोप के ओवरसीज, मतलब विदेशों में, मतलब विस्तार में पहला और निर्णायक कदम वो क्या था, वो था अटलांटिक ओशन पर विजय, ठीक है। तो पी आर क्यू ये मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो है इससे करेक्टली जुड़ रहा है, तो इसलिए आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है ना। बस हिंट यहाँ पर यही था कि आर को लास्ट में कर नहीं सकते, पी को लास्ट में कर नहीं सकते, तो दो ऑप्शन कट गए, और बाकी हमने फिर क्या लगाया कि यहाँ पर स्टेप है, है ना, और स्टेप के बाद यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट, ये भी नाउन है, तो एक नाउन के बाद दूसरा नाउन बिना प्रीपोजिशन के कैसे बैठेगा, फिर यहाँ पर भी यूरोप है, दूसरा नाउन है, तो इन दोनों से जोड़ ही नहीं सकते, बचा ये ऑप्शन पी, पी से हमने शुरुआत कर दी और हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में बनाना है, आई विल कॉन्कर इट, मैं उसे जीत लूंगा, तो इट और विल है तो विल ही रहेगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार मतलब कहने का वुड करते हैं, तो ये गलतफहमी मत कीजिएगा, नॉरेशन के रूल कभी भी एक्टिव पैसिव में मत लगाइएगा, जल्दीबाजी में यही गलती करते हैं लड़के, ठीक है ना। तो इट, तो इट आपका सब्जेक्ट बनेगा, अब विल है तो विल का पैसिव क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, तो विल भी यहाँ पर भी है, विल भी यहाँ पर भी है, तो इट विल बी, अब कॉन्कर का तो सेकंड फॉर्म मतलब कहने का थर्ड फॉर्म होगा, तो कन का कनकर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे कनकर ही दिया है, इसलिए ये कट जाएगा आपका, और ये जो है आपका टोटली करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इट विल बी कनकर्ड बाय मी, ये पैसिव होगा, आई विल कनकर इट, ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में आपको क्या नॉरेशन करना है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देख रहे हैं आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, तो एक्सक्लेमेटरी साइन, तो या तो एक्सक्लेम लिखिए या फिर और कोई कुछ लिखिए। टीचर से, टीचर ने कहा वाओ यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया है ना, बहुत अच्छा किया, प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अपलॉड आ रहा है, अप्रिसिएट आ रहा है, यहाँ पर सेड आ रहा है, अपलॉड आ रहा है। तो ये दिमाग में आ सकता है कि अप्रिसिएट या अपलॉड जैसे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, तो इसका पैसिव जब वो सॉरी इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो यू का क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यू का, यू तो चेंज होगा ही ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसी हिसाब से चेंज करेंगे। फिर आगे हैव की जगह हैड हो जाएगा और डन वैसे ही रहेगा, डन वेल वैसे ही रहेगा। तो हैड डन वेल देखिए किसमें है, इसमें भी हैड डन वेल है, इसमें तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी हैड डन वेल है, ये भी हो सकता है, और यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। तो आपने दूसरा ऑप्शन काट दिया और चौथा ऑप्शन काट दिया, बचे आपके पहला और तीसरा। अब इसमें देखिए ही द टीचर अप्लॉडेड, टीचर ने उसकी प्रशंसा की सेइंग ये कहते हुए कि हे हैड डन वेल, उसने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे ही हिम ऑब्जेक्ट भी डाल रहा है और फिर यहाँ पे कह रहा है द टीचर सेड वाओ। देखिए ये वर्ड इंटरजेक्शन जो होते हैं, वाओ, हुर्रे, अलास, ये इंटरजेक्शन हमेशा हटा दिए जाते हैं और यहाँ पर डाल रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा, बचेगा पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 12 नंबर में देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, करेक्टली स्पेल्ड ऑकरेंस है ना, तो ये स्पेलिंग सर करेक्ट होती है, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ठीक है। और 30 नंबर में देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर भी चूज करना है, तो इम्पेनिट्रेबल होता है, तो आई एम पी ई एन ई टी आर ए बी एल ई, इम्पेनिट्रेबल, अभेद किसे, जिसे अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे पेनिट्रेट ना किया जा सके, उसे इम्पेनिट्रेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो 13 का सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 12 नंबर में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम 14 नंबर से लेकर के और 18 नंबर तक 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हम जल्दी से एक रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन सारे ऑप्शंस फिल करके और करेक्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है इन कैरेक्टर, चरित्र से। दैट इट कैन स्कार्सली बी लर्न्ड, मतलब कहने का अब कैसे आपको भरना है वो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। दैट ताकि इट कैन स्कार्सली, स्कार्सली मतलब होता है नो, नॉट का सेंस देता है, नॉट, ठीक है। तो इट कैन स्कार्सली मतलब इट कैन नॉट बी लर्न बाय रूल, कि इसे नियम से नहीं, मतलब कहने का समझा जा सकता, लर्न सीखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि इसे नियमों के आधार पर नहीं सीखा जा सकता, ये इन्होंने लिखा है यहाँ पर, है ना। एंड और कैन बी मास्टर्ड बाय द स्टडी, या फिर कैन बी मतलब कहने का मास्टर किया जा, इस पर मास्टरी हासिल करी जा सकती है, मतलब कहने का बाय द स्टडी ऑफ सच idioms, ऐसे idioms और phrases का अध्ययन करके, as are provided in his book and in this book, जैसा कि उपलब्ध कराए गए हैं इस बुक में। मतलब कहने का कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को तो लेकर के, तो वही कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी कठिन है कैरेक्टर में कि वो किसी रूल पढ़ करके तैयार नहीं की जा सकती है, ठीक है। और इस पर मास्टरी हासिल की जा सकती है कैसे, स्टडी करके idioms और phrases का, जैसा कि इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। बट लेकिन जस्ट एज केयर मस्ट बी टेकन टू प्लेस एवरी एसेंट और स्ट्रेस, मतलब कहने का कि एज केयर उतनी ही केयर, देखभाल, मतलब कहने का ध्यान रखना होगा, मस्ट बी टेकन उतनी ही सावधानी रखनी होगी, टू प्लेस मतलब प्लेस एवरी एसेंट, एसेंट होता है बोल चाल का जो लहजा होता है उसे कहते हैं एसेंट, मतलब कहने का हर एसेंट को प्लेस करने में, मतलब बोलने में, और स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस देने पर, जोर देने पर, द प्रॉपर सिलेबल, उचित सिलेबल, सिलेबल होता है अंश, अलग अलग जैसे होता जाता है ना, जैसे उनको कई टुकड़ों में होता है, तो जैसे डिसएप्रोप्रिएट, तो डिस एप इस हिसाब से करके अलग अलग सिलेबल में तोड़ दिया जाता है, जितनी बार आप रुकते हो किसी स्पेलिंग में वो सिलेबल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर सिलेबल में उचित स्ट्रेस दे करके, इन द डैश ऑफ एवरी वर्ड, हर वर्ड के किस में वो भरना है, इट कंटेंस जो कि ये रखता है, सो मस्ट द स्ट्रेस, और उसी प्रकार से स्ट्रेस होना चाहिए और इम्फेसाइज या फिर जोर होना चाहिए, बी प्लेस्ड ऑन, वो लगाया जाना चाहिए किस पर, ऑन द प्रॉपर वर्ड, उचित शब्द पर, इन द सेंटेंस स्पोकन, उस सेंटेंस में स्पोकन जो कि बोला गया है। तो ये फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बताया गया है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, सिलेबल पर कैसे स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शन फिल करते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। तो जो पहला ऑप्शन है आपको एज टू एट सो दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर दैट, यहाँ पे दैट क्लॉज आ रहा है, कुछ मतलब समझ में आया, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर में कि इसको समझा नहीं जा सकता, मतलब इसको सीखा नहीं जा सकता नियमों के आधार पे। तो ये इतना है कि उतना, ये सेंस पता है कैसे देता है, ये दैट आ रहा है तो ये इंडिकेशन हमें दे देगा कि हम सो ले लें,
इंग्लिश लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर में, सो कॉम्प्लेक्स दैट, तो सो उसके बाद सो दैट, तो ये जो है ना ये बहुत मतलब फिक्स पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दैट इट कैन कैन स्कार्सली, स्कार्सली हमेशा नेगेटिव का सेंस दे रहा है ना, तो इट कैन नॉट या फिर इट कैन स्कार्सली बी लर्न, इसे बड़ी मुश्किल से सीखा जा सकता है नियमों के आधार पर, है ना। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें कि द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, मतलब खबर इतनी अच्छी है कि हो सकता पक्का झूठी होगी, मतलब कहने का इट कांट बी ट्रू, ये सच्ची नहीं हो सकती, तो जब इट द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो ये पैटर्न जो सो के बाद फिर दैट आता है ये मतलब फिक्स पैटर्न है, तो ये आप पैटर्न आपको सिर्फ पहचानना था, दैट आया है तो आपको यहाँ पर सो ले लेना है, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर दैट इट कैन कैन नॉट या फिर कैन स्कार्सली बी लर्न बाय रूल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चूज करना था। तो सिर्फ एक पैटर्न था जिसपे आपको अलग अलग चीजें दे करके, कंजंक्शन दे करके और प्रीपोजिशन दे के कंफ्यूज कर दिया है ना, बाकी जो आपका पैटर्न था सो दैट वाला था। एंड कैन डैश बी मास्टर्ड, अब देखिए 15 में क्या भरना है आपको, बी मास्टर्ड, कैन बी मास्टर्ड, तो आपका वर्ब आ रहा है आगे, वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब आपका बेस्ट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और गुड एडजेक्टिव, नाइस एडजेक्टिव, फाइन एडजेक्टिव, ठीक है, तो मतलब कहने का, और फाइन शायद एडवर्ब भी होता है, लेकिन फाइन यहाँ पर जिस चीज़ का जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद बैठता है, लेकिन बेस्ट क्या होता है, बेस्ट बाद में और पहले दोनों जगह बैठ सकता है, ठीक है। तो द एंड कैन बेस्ट बी एक्स मास्टर्ड, और सबसे अच्छे तरीके से, अब जैसे फाइन होता है तो फाइन होता, अगर फाइन बी मास्टर्ड लिखोगे तो अगर एडवर्ब भी है ये, तो फिर ये क्या होगा, मतलब अच्छे तरीके से, जब मास्टरी हासिल करते हो तो वहाँ पे फाइन कहाँ से, वो अच्छा नहीं होता, वो सबसे अच्छा होता है, इसलिए एडवर्ब जो होगा सबसे अच्छे का बात करेगा, तो इस इन दोनों ऑप्शन में भी अगर देखें तो ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड कैन बेस्ट बी मास्टर्ड, और सबसे अच्छे तरीके से इसे मास्टरी की जा सकती है बाय स्टडी ऑफ सच इडियम्स, ऐसे इडियम और फ्रेजेस का अध्ययन करके, ठीक है। तो इंग्लिश इतनी कठिन है कि उसको मतलब कहने का सीखना, रूल से सीखना बड़ा मुश्किल है, नहीं सीखा जा सकता, और इस पर मास्टरी सबसे अच्छे तरीके से कैसे की जा सकती है, इडियम और फ्रेजेस को मतलब कहने का याद कर, स्टडी करके, अध्ययन करके, प्रोवाइडेड जैसा कि प्रोवाइड किए गए हैं इस बुक में, बट जस्ट अ केयर मस्ट बी टेकन टू प्लेस एवरी एसेंट एंड स्ट्रेस, मतलब कहने का सावधानी रखी जानी चाहिए, टू मस्ट बी टेकन ली जानी चाहिए टू प्लेस एवरी एसेंट और स्ट्रेस डैश द प्रॉपर सिलेबस, हर मतलब एसेंट और स्ट्रेस पे मतलब या फिर कहने की प्लेस करना, क्या प्लेस करना, स्ट्रेस मतलब कहने का जोर देना ऑन द प्रॉपर सिलेबस। अब जैसे यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रहा है, तो अब कौन सा प्रीपोजिशन आप भरेंगे, तो स्ट्रेस ऑन, अब जैसे कि आप ऑन द प्रॉपर सिलेबल या इन द प्रॉपर सिलेबल, आप आगे कुछ देखें अगर, स्ट्रेस और इम्फेसाइज टू बी प्लेस्ड ऑन द प्रॉपर वर्ड, उचित वर्ड पर, तो ऑन प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा फिर, प्लेस एवरी एसेंट और स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर सिलेबल, तो जब यहाँ पे प्रॉपर सिलेबल पे स्ट्रेस देना है तो सीधी सी बात है, जब यहाँ ऑन लिया है तो इस दिमाग को लगा करके आप यहाँ पर भी ऑन चूज करोगे, और ये करेक्ट ऑप्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सावधानी रखी जानी चाहिए, हर एसेंट और मतलब कहने का हर एसेंट और स्ट्रेस को मतलब प्लेस करना चाहिए प्रॉपर उचित सिलेबल पर, और कहाँ पे, इन द 17 नंबर डैश ऑफ, तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, द आर्टिकल लगा है तो नाउन भरना है आगे, नाउन क्या हो गया, प्रोनंसिएशन, मतलब कहने का उच्चारण, ठीक है। सिलेबल में मतलब कहने का स्ट्रेस देना चाहिए, इन द प्रोनंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड, हर शब्द के उच्चारण में, तो नाउन आपको यही भर लेना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मतलब उच्चारण में, इट कंटेन्स जो कि कंटेन करता है, सो मस्ट बी, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस या एम्फेसाइज जोर देना चाहिए, बी प्लेस्ड मतलब लगाया जाना चाहिए ऑन द प्रॉपर वर्ड, उस उचित शब्द पर, कैसा उचित शब्द, इन द सेंटेंस स्पोकन, बोले गए सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में, 18 नंबर, ऑल सेंटेंस में, व्हाइल सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस में, या फिर एज सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में जो कि बोला गया है। ऑल सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में उतना अच्छा नहीं है, बल्कि एवरी सेंटेंस अगर आप लिखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, हर एक सेंटेंस में, एक एक पर इंडिविजुअली ये काम किया जाना चाहिए। सभी में तो फिर वो हो जाता है ना कि चलो ठीक है सभी में कर दिया तो कोई छूट गया तो, लेकिन एवरी जब आप एक एक करके कोई काम करते हो तो वो ज़्यादा बेटर सेंस देता है, क्योंकि आपने इंडिविजुअली हर चीज़ को हैंडल किया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑल की जगह ये व्हाइल जो, ये सॉरी एवरी जो ये वर्ड होगा ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, इसलिए स्ट्रेस होना चाहिए प्रॉपर वर्ड पर, इन एवरी सेंटेंस, उस हर सेंटेंस पर जो कि बोला गया है,
ठीक है ना, तो इसलिए आपका 18 में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे क्लोज टेस्ट। हम बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में लिखा है बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है टू बी लाइकली टू हैपन, जो जल्दी ही होने वाला हो। ऐसे आया था अप इन द एयर, अभी एक मतलब कहने का इडियम आया था, फ्रेश टाइप में था, और इसका मतलब था अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब क्या था, उस इडियम का फ्रेश का मतलब था अप इन द एयर का अनडिसाइडेड, येट डिसाइडेड, मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, येट नॉट डिसाइडेड उसका मतलब था। ठीक है, तो वो करवाया था मैंने अप इन द एयर। अब इस बार आया है बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है टू बी लाइकली टू हैपन, जल्दी ही होने वाला है ना। तो आप बाकी के मीनिंग भी देख लीजिए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। हार्मफुल गैसेस इफ्लुएंस, इफ्लुएंट होता है मतलब वो गीला कचरा, ठीक है। हार्मफुल गैसियस इफ्लुएंस फ्रॉम अ फैक्ट्री, मतलब कहने का नुकसानदायक गैसियस जो गैस वाले और गीला कचरा टाइप का होता है, फ्रॉम ए गैस एक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ। टू फ्लाई लाइक ए बर्ड और ए प्लेन, प्लेन या बर्ड की तरह उड़ना, नो मीनिंग हेयर। वैन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीबडी एवरीवंस माइंड, जब कोई इमोशन या आइडिया हर व्यक्ति के विचार में हो, मतलब मन में हो, तब उसे कहते हैं बी इन द एयर। नो, वैन समथिंग इज लाइकली टू हैपन देन इट इज इन द एयर, ठीक है। तो इन द एयर कब होगी, जब वो जल्दी ही घटित होने वाला होगा, ठीक है। 20 नंबर में देखेंगे, 20 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक idiom बताना है, ये प्रोवर्ब टाइप में है। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हियर्ड, बच्चों को देखा जाना चाहिए, नॉट हियर्ड सुना नहीं जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है। ये पुराने जमाने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो उसी का मतलब है ये, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हियर्ड। ये वो लोग उन लोगों की कहावत प्रोवर्ब टाइप में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स की प्रेजेंस में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो मीनिंग है जस्ट रट लेना चाहिए, पुराने लोगों के ख्याल इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन ड्रोन्ड इन कंपनी ऑफ एडल्ट्स, कंपनी ऑफ एडल्ट्स बड़ों की संगत में बच्चों की जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिक दब जाती है, ड्रोन डूब जाती है, मतलब कहने का बच्चे कहाँ बोल पाते हैं बड़ों की प्रेजेंस में। सम चिल्ड्रन विल सीक अटेंशन बाय क्राइंग, कुछ बच्चे सीक अटेंशन ध्यान आकर्षित करते हैं बाय क्राइंग, चिल्ला करके, ठीक है, रो करके। Those children are likable who dress neatly, वो बच्चे पसंद करने योग्य होते हैं who dress neatly, जो साफ सुथरे ढंग से मतलब कहने का कपड़े पहने होते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, केवल थर्ड मीनिंग मतलब है इसका, कि बच्चे को दिखाया जाना मतलब दिखने चाहिए, सुने नहीं जाने चाहिए, इसका मतलब क्या है, बच्चों को बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, एडल्ट्स के सामने नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 में है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, मतलब कहने का किसी को इंस्ट्रक्ट निर्देशित करना या फिर सुधार करना किसी चीज़ में, मोरली नैतिक रूप से या फिर इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, ठीक है। हुडविंक होता है ठग लेना, क्या होता है, हुडविंक होता है ठग लेना, मतलब कहने का धोखा देना है ना, डिसीट करना, मतलब वो सॉरी डिसीट नहीं, मतलब कहने का धोखा देना किसी को। बिगाइल मतलब क्या होता है, बिगाइल मतलब भी होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। और एल्यूड मतलब क्या होता है, एल्यूड होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, मेंशन करना, ठीक है, किसी चीज़ का उल्लेख करना होता है एल्यूड करना, ठीक है, एल्यूड टू समथिंग होता है। ईडिफाई होता है किसी चीज़ में संशोधन करना, किसी चीज़ को मोरली रूप से, जैसे कि अब कोई पेरेंट्स है ना अपने बच्चे को सुधार रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये गंदा होता है, ये अच्छा होता है, तो मोरली रूप से किसी को सुधार रहे हो आप, किसी में संशोधन कर रहे हो, किसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, उसको ईडिफाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो 21 का करेक्ट मतलब वन वर्ड होगा वो आपका फोर्थ है, ठीक है। हुडविंक माने भी होता है किसी को धोखा देना, ट्रिक करना, चापलूसी मतलब कहने का चालाकी करना, वो सेंस में होता है। बिगाइल माने भी किसी को धोखा देना होता है, चीट करना होता है। 22 में देखेंगे कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट होता है क्या, नाराजगी, ठीक है। बिटरनेस माने होता है तीखापन, तीखापन और नाराजगी के साथ जिसको व्यक्त किया जा सके, जिसकी चरित्र की विशेषता बताई जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैनकोरस, बिटर, बड़ा तीखा टाइप का, तीखा बोलने वाला, या कहते हो कि नाराजगी भरा, जो कि हमेशा नाराज करता है लोगों को, उसे क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन में रैनकोरस कहते हैं। और ये क्या होता है, ये थोड़ा बीटर सेंस का देता है, बीटर सेंस देता है। पीटी क्या होता है, पीटी होता है सम्मानपूर्ण, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसे कहते हैं, ठीक है। एमिटी होता है मित्रतापूर्ण, फिडेलिटी होता है लॉयल, मतलब वफादार, ठीक है ना। और पी आई टी वाई एक होता है, ये पी आई ई टी वाई तो सम्मानपूर्ण हो गया है ना, शीलतापूर्ण, लेकिन एक पी आई टी वाई होता है, उसका मतलब होता है दया, ठीक है, काइंडनेस। 23 में देखेंगे यहाँ पर आपको कौन सा, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 23 में देखेंगे यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, दैट गेम वर इंटरप्टेड बाय द रेन्स, वर्षा से बाधित हो गए ये खेल,
देखिए दैट गेम है ना, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर इंटरप्टेड नहीं होगा, वाज इंटरप्टेड। अब बाधित किससे हुआ है भाई, कहने का मतलब इंटरप्ट हुआ है तो गेम हुआ है ना, तो सब्जेक्ट पर काम हो रहा है वर्ब के द्वारा, मतलब पैसिव भी सही है तो वाज इंटरप्टेड सही है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको थर्ड फॉर्म लेना है पैसिव कंस्ट्रक्शन में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चूंकि ये सिंगुलर था तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब की जगह वाज कर दी और सब कुछ सेम रखा, ठीक है। तो दैट गेम वाज इंटरप्टेड बाय द रेन्स, बारिश के कारण जो गेम था खेल था वो बाधित हो गया, इट रिज्यूम्ड और ये फिर से शुरू हुआ, एन आवर आफ्टर एक घंटे बाद, व्हेन द रेन्स स्टॉप्ड जब वर्षा बंद हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 में आप देखेंगे इंप्रूवमेंट में, द कोर्स हैज़ बीन अ सक्सेस विथ मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इट, ये कोर्स जो है ये सफलता बन गया है, हैज़ बीन अ सक्सेस, ये एक सफलता है, विथ मोर देन जिसमें कि ज़्यादा कितने हैं 1000 स्टूडेंट्स, 1000 से भी ज़्यादा मतलब कहने का बच्चों ने इसे ज्वाइन किया है, तो 1000 बच्चों के ज्वाइन करने के साथ, 1000 से ज़्यादा बच्चों के ज्वाइन करने के साथ ही ये कोर्स क्या हो गया है, सफल हो गया है। द कोर्स हैज़ बीन आया है, यहाँ पे हैव बीन ले नहीं सकते, इज़ बीन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वाज बीन भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बचा क्या आपका, बचा आपका यही हैज़ बीन जो कि करेक्ट है, इसलिए आपको नो इम्प्रूवमेंट की आशा जाना है, कोई गलती ही नहीं है तो हम क्यों बदलें, और फिर इन सब चीज़ों से जो खुद ही में गलत हैं तो कोई पैटर्न भी तो नहीं है इनमें, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका नो इंप्रूवमेंट से जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एबीसी को आपको करेक्टली अरेंज करना है, वही सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, लास्ट में देखिए आर्टिकल द आ रहा है, यहां पर हैज आ रहा है, ए और सी लास्ट में नहीं हो सकते, तो ए वाला काट दीजिए लास्ट वाला, और सी जो लास्ट में है इसको भी काट दीजिए। अब बचा सी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा, किससे शुरू होगा ये आपको जज करना है। आप ये बताइए, इफ अ कंट्री वांट्स टू, अब आप बताइए वांट के क्या पैटर्न होते हैं, अगर आपको इतना पता है तो आप इसको तुरंत मतलब पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ देख के कर लोगे। वांट का होता है इफ समबडी वांट समथिंग, जब आप किसी नाउन को बैठाते हो डायरेक्ट बैठाते हो, जैसे आई वांट अ पेन, तो आई वांट टू अ पेन नहीं लिखेंगे, आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, ठीक है। तो वांट सीधा नाउन बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कस्टडियन लिखा होता तो मतलब क्या होता, सीधी सी बात है कि डायरेक्ट बैठता। अब टू आ रहा है तो आप बताइए कि क्या टू के बाद ये टू बैठेगा, नॉट पॉसिबल। टू के बाद इफ अ कंट्री वांट्स टू, टू दो बार टू टू कर दिया तो क्या मत मजाक थोड़ी ना ये, तो ए ऑप्शन कट गया आपका। तो जब ए ऑप्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस कट गया, बचा सी ऑप्शन वाला, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। और टू के वांट का एक पैटर्न होता है, वांट टू डू समथिंग, जब टू आता है तो आगे चल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है ना। तो इफ ए कंट्री वांट्स टू प्रूव इट इज बिजनेस फ्रेंडली, अगर कोई देश चाहता है ये साबित करना कि इट इज़ बिजनेस फ्रेंडली, कि वो वहाँ पर बिजनेस अच्छे से पनपता है या फिर वहाँ पर बिजनेस करना सरल है, तो वो मतलब कहने का वो बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है, तो इट हैज़ टू, इसको क्या करना होगा, इट हैज़ टू लिसन टू द वर्ल्ड बैंक, तो उसे वर्ल्ड बैंक की बात को सुनना होगा। द कस्टडियन ऑफ बिग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक कौन सा, जो कि कस्टडियन है, मतलब जिसका एकाधिकार है, जो कंट्रोल करता है ऑफ बिग बिजनेस, मतलब कहने का बड़े बड़े बिजनेसेस को, ठीक है। तो अगर कोई देश ये साबित करना चाहता है कि वो बिजनेस फ्रेंडली है, तो उसको वर्ल्ड बैंक को सुनना होगा, जो कि कस्टडियन है, नियंत्रण है जिसका सारे बिग बिजनेसेस पे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन चूज करने के कौन कौन से ग्राउंड्स थे, किन बेसिस पर, कौन से ग्राउंड्स पे आपने ऑप्शन को चूज किया, सिर्फ इतना सा रीजन था कि दोनों आपके हेल्पिंग, मतलब एक तो जगह आर्टिकल, इसके बाद नाउन आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब आनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए और सी लास्ट में नहीं होगा, तो दो ऑप्शन कट गए। और तीसरा ग्राउंड ये था कि टू के बाद दोबारा टू तो आएगा नहीं, कोई नाउन कुछ तो वर्ब तो होगी, तो इसका मतलब 25 के बाद आपको ए तो लेना नहीं था, तो ए आपने काट दिया, बचा एक ऑप्शन जो हमारा आंसर है। तो सोचिए बिना मीनिंग निकाले आपको ऐसे क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे, खासकर ट्री वगैरह के पेपर में, और 10+2 और सीजीएल में भी आते हैं इस तरह के पैटर्न के, जो एबीसी या पीक्यूआर पैटर्न के होते हैं। तो ये तो बिना पढ़े आप कई क्वेश्चंस कर सकते हो, दो क्वेश्चन आते हैं तो अगर एक भी फंस गया तो आपका टाइम बच गया, है ना, नहीं तो आप वहां पर तिगड़म बड़ा मतलब कहने का सेट करने लगोगे तो फिर आपका टाइम लॉस हो जाएगा, है ना। तो टाइम से बचने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मतलब कहने का, तो ये सारी चीज़ें आप अपना सकते हो, जो कि आपको बिना दिमाग लगाए चीज़ों को बड़ा सरल कर देंगी, ठीक है। तो फिलहाल ये था आज का पेपर, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो लोग हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोगों तक भी ये हेल्प पहुँच सके जो भी नीडी हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नए पेपर के साथ और नए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।